हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आज मैं आप सबके लिए टॉपिक नेशनल पार्क्स इन इंडिया लेके आया हूँ। इसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सेशन जो है पार्ट वन पार्ट टू में डिवाइडेड है, इसलिए पार्ट वन में मैंने टॉप 10 क्वेश्चन मैंने कवर किया हुआ है, जिसमें कि आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेगा प्लस फुल एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। तो प्लीज़ बने रहें इस वीडियो के साथ, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, राजाजी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए जम्मू एंड कश्मीर, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश या डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस पार्क और लोकेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में। ये जो पार्क है राजाजी नेशनल पार्क, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1983 में, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डेट है। और ये जो राजाजी नेशनल पार्क है, इसका नाम कैसे ये पड़ा, ये नाम जो है हमारे वेल नोन लीडर और फ्रीडम फाइटर हम बोल सकते हैं, और हमारे सेकेंड एंड लास्ट जो गवर्नर थे इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के, अर्थात सी राजा गोपालचारी, तो उनके नाम पर ये नेशनल पार्क रखा गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, ये बार बार एग्जाम में आया है। उसके बाद पहले भारतीय जो जिन्होंने भारत रत्न अवार्ड हासिल किया था, वो भी राजा गोपालचारी थे, जिनको 1954 में पहली बार हमारे भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उन्हें पुरस्कृत किया गया था। और ये जो राजाजी नेशनल पार्क है, ये उत्तराखंड में लोकेट है। अगर एग्जाम में आता है कि उत्तराखंड के और बाकी नेशनल पार्क के नाम क्या है, तो आप लोग लिख सकते हैं, एक तो हो गया नंदा देवी और दूसरा गंगोत्री। और उत्तराखंड के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है, आप सब लोग जानते ही होंगे, पुष्कर सिंह धामी, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और ये 2021 से अभी तक चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। और उत्तराखंड के गवर्नर, अब वर्तमान के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2, केवलादेव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, अर्थात केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आसाम या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। चलिए दोस्तों, इस पार्क और लोकेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो ये पार्क जो है केवलादेव, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 10 मार्च 1982 को, याद रखिएगा। और ये जो पार्क है नेशनल पार्क, ये डक हंटिंग के लिए पहले पुराने ज़माने में महाराजा लोग इस्तेमाल करते थे। उसके बाद ये जो पार्क है, ये वर्ल्ड का सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब बर्ड ब्रीडिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है, जहाँ पे बहुत सारे अन्य प्रजाति के बर्ड यानी कि चिड़िया आकर बसते हैं वहाँ। इसीलिए केवलादेव को नेशनल पार्क होते हुए भी इसको एक बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के अन्य प्रजाति के, मतलब चिड़िया आकर रहते। नेशनल पार्क जैसे कि रणथंभौर डिजर्ट नेशनल पार्क गाइड, ये सब हो गए अन्य नेशनल पार्क। और राजस्थान के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, जो कि 2018 से लेकर अभी तक वर्तमान वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, और वो INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, और अभी वर्तमान के वहाँ पर गवर्नर है कालराज मिश्रा, ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोग को ये पॉइंट्स याद रहेंगे। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है, कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, यानी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वाइल्ड कैट, ऑप्शन बी टाइगर, ऑप्शन सी ल्यूपर्ड या ऑप्शन डी राइनो। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी टाइगर। देखते हैं कान्हा नेशनल पार्क के बारे में। ये पार्क 1 जून 1955 को एस्टेब्लिश हुआ था। इसको हम लोग कान्हा टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं, और ये मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। और हम लोग को अगर दो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के लिखने आ गए, तो हम लोग लिख सकते हैं सतपुरा अथवा पन्ना नेशनल पार्क। वर्तमान के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो 2020 से लेके अभी तक वर्तमान चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं।
और मध्य प्रदेश के वर्तमान के गवर्नर हैं मंगूबाई सी पटेल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। द हेमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, अर्थात हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है ए आसाम, बी मिजोरम, सी लद्दाख या डी ओडिशा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लद्दाख। चलिए देखते हैं कुछ डिटेल्स अबाउट हेमिस नेशनल पार्क एंड इट्स लोकेशन। ये जो पार्क है नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1981 में। याद रखिएगा 1981 में हेमिस नेशनल पार्क इस्टेब्लिश हुआ था। ये भारत का और साउथ एशिया का सबसे बड़ा मतलब लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। इट इज़ द ओनली नेशनल पार्क इन लद्दाख, यानी कि ये एकमात्र लद्दाख का नेशनल पार्क है और जहाँ पे वाइडली स्नो लियोपर्ड पाया जाता है, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। द चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर ऑफ लद्दाख इज जामयांग शेरिंग नामग्याल, यानी कि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं है, वहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो है जामयांग शेरिंग नामग्याल, जो कि बहुत ही छोटे उम्र में लद्दाख के 8वें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए थे। और आई थिंक आप सब ने तो उनका जोरदार भाषण, जो इफेक्टिव भाषण जो था संसद भवन में, वो आपने सुना ही होगा। ये उनका फ़ोटो है, देख लीजिए। और वो पहले भारत के लद्दाख यूनिट के पहले बीजेपी के प्रेसिडेंट बने थे, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान के गवर्नर, लद्दाख के गवर्नर हैं बीडी मिश्रा, जो कि 12 फरवरी 2023 से वो अभी कार्यरत हैं। और लद्दाख का कैपिटल है लेह, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी केरला। हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग को इस सेशन से कुछ अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो जैसे कि मैंने साइलेंट वैली और उसके लोकेशन के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में लिखा हुआ है, जैसे कि ये वैली, साइलेंट वैली जो कि नेशनल पार्क है, वो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 7 सितंबर 1985 को। और यहाँ पे एक बड़ा अहम रोल है वहाँ के एनजीओ का, जो कि जिसको हम जानते हैं KSSP शॉर्ट फॉर्म में, उसका फुल फॉर्म है केरला शस्त्र साहित्य परिषद, जिनके बदौलत साइलेंट वैली अभी तक बरकरार है। और वहाँ के कुछ अन्य पार्क जैसे कि इराविकुलम, माथिकेटन सोला, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्क्स हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। अदर करंट CM जो हैं केरला के, वो है पिनराई विजयन, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं और वो 2016 से लेके अभी तक वर्तमान के चीफ मिनिस्टर हैं। और हमारे केरला के करंट गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो आप लोग ये नोट्स स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, अर्थात पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी ओडिशा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हेलो फ्रेंड्स, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, यहाँ से MCQ क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोग प्लीज़ केयरफुली इसको करिएगा। और आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल कंटेंट्स मैं आपके लिए लाता रहूं। चलिए देखते हैं पिन वैली और उसके लोकेशन के बारे में डिटेल में। तो देखते हैं इसके नोट्स। तो ये जो पिन वैली नेशनल पार्क है, ये एस्टेब्लिश हुआ था आपका 1958 को, याद रखिएगा, इसको मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है अदर टू नेशनल पार्क, जैसे कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हो गया एक, उसके बाद सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क हो गया। हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर टोटल 5 नेशनल पार्क्स हैं, उनमें से मैंने ऑलरेडी 3 दे दिए हैं, तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। देन वहाँ के करंट चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुखू, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और वो 2022 से अभी वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के करंट गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला, याद रखिएगा। और एक दिलचस्प बात है कि 2022 में जयराम ठाकुर, जो कि बीजेपी से चीफ मिनिस्टर थे, वो इलेक्शन हार गए, इसीलिए सुखविंदर सिंह सुखू नए कैंडिडेट जो कांग्रेस के थे वो जीत गए थे, तो वो बने थे, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान
कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए मिजोरम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मणिपुर या डी आसाम। हेलो दोस्तों, आप लोग भी ट्राई कीजिए आंसर देने के लिए, अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप लोग को टाइमर ज़्यादा जल्दी हो रहा है तो आप लोग बोलिए कमेंट सेक्शन में, मैं टाइमर को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, बढ़ा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मणिपुर। देखते हैं इस नेशनल पार्क के बारे में और वहाँ के लोकेशन के बारे में, जो कि ये नेशनल पार्क जो है केवुल लामजाओ, ये नेशनल पार्क 28 मार्च 1977 को इस्टेब्लिश हुआ था। और ये एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि ये वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है और ये लोकतक लेक पे लोकेटेड है। याद रखिएगा दोस्तों, लोकतक लेक। और वहाँ के अन्य दो पार्क जैसे कि मोइरांग नेशनल पार्क हो गया और एक सिरोही नेशनल पार्क है, वो भी काफ़ी फेमस है। और वहाँ के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और वहाँ के करंट गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मणिपुर का हमेशा आता रहता है। ओके, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा ये टॉपिक में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, अर्थात गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु या डी केरला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। ये जो गिर नेशनल पार्क है ये एस्टेब्लिश हुआ था आपका 1913 में, याद रखिएगा। और ये पार्क हमारे भारत का एकमात्र ऐसा पार्क है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एसिटिक लायन पाया जाता है। ओके, और ये पार्क का पुराना नाम है देवलिया सफारी पार्क। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है जो आता रहता है। उसके बाद गुजरात का अन्य यानी कि गिर नेशनल पार्क तो हो गया हमारा, लेकिन अन्य पार्कों के नाम जैसे कि वंसदा नेशनल पार्क, मराइन नेशनल पार्क है याद रखिएगा, और एक ब्लैक बग भी होता है, ब्लैक बग नेशनल पार्क भी है। उसके बाद गुजरात के करंट चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल, जो कि बीजेपी पार्टी से लीड करते हैं। उसके बाद अब वर्तमान के गवर्नर गुजरात के हैं आचार्य देवराल। आई होप आप लोग को ये जो नोट्स है, ये पॉइंट्स है, इनसे काफ़ी मदद मिलेगा। अगर आप लोग को लगता है सच में मदद मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी मतलब ये वीडियो शेयर करें ताकि वो लोग भी आकर कुछ सीख सके, नॉलेज मिल सके। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्या है। सिंपलीपल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, अर्थात सिंपलीपल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी ओडिशा, सी बिहार या डी उत्तराखंड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ओडिशा। आइए देखते हैं सिंपलीपल नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा डिटेल में। सिंपलीपल नेशनल पार्क इस्टेब्लिश हुआ था 1980 में, और उड़ीसा के दो ही नेशनल पार्क है, उनमें से एक तो सिंपलीपल हो गया और दूसरा भितरकनिका नेशनल पार्क, याद रखिएगा। और उड़ीसा के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, और वो बीजेडी दल यानी कि बीजू जनता दल बिलोंग करते हैं। उसके बाद नवीन पटनायक ने एक रिकॉर्ड कायम किया हुआ है, वो उड़ीसा के लॉन्गेस्ट सर्विंग CM में से एक हैं। उसके बाद उड़ीसा के करंट गवर्नर हैं गणेश लाल। आई होप आप लोग को ये सारे पॉइंट्स याद रहेंगे। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। खांचनजंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, अर्थात खांचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए नागालैंड, बी सिक्किम, सी मिजोरम या डी मणिपुर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सिक्किम। दोस्तों खांचनजंगा नेशनल पार्क जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1977 में, याद रखिएगा खांचनजंगा, और ये एकमात्र नेशनल पार्क है सिक्किम का, और वहाँ पे 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सिक्किम के करंट चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तामांग, जो कि 2019 से बने हुए हैं अभी तक। उसके बाद वो SKM पार्टी के फाउंडर हैं, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, याद रखिएगा। उसके बाद सिक्किम के करंट गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मैंने कम्पिटिटिव एग्जाम के नज़रिए से बनाया हुआ है क्वेश्चन, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सब पॉइंट्स। और एक इम्पोर्टेंट नोट है जो कि सिक्किम से रिलेटेड है। हाँ, हमारे इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग CM जो कि सिक्किम से ही बिलोंग करते हैं, पवन कुमार चामलिंग, जिन्होंने 1994 से लेकर 2019 तक
लगभग 25 साल वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने रहे, और वो SDF यानी कि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट से बिलोंग करते हैं। आई होप ये सारे नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपके काम आए। और मेरे मेहनत के लिए आप लोग एक लाइक तो ज़रूर कर सकते हैं, और अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए ताकि इस तरह के नॉलेजेबल कंटेंट मैं फ्यूचर में भी आपके लिए लाता रहूँ। तो दोस्तों ये तो था नेशनल पार्क इन इंडिया का पार्ट 1, जहाँ पर मैंने टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में आपको बताया और उसका डिटेल्स मैंने आपको दिया। बने रहे इस चैनल के साथ, और मैं जल्द ही पार्ट 2 लेके आऊँगा। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह के नॉलेजेबल कंटेंट्स मैं आपके लिए लाता रहूँ। सभी को ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।